देखो सबसे पहले मैं अगर अकाउंट्स की बात करूं, अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं आपको, तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा टाइम लूंगा, पर पेशेंस रखना थोड़ा। अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो अकाउंट्स आपको 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर था, उसके अंदर ना आपको बताया गया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। तो एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एक है फाइनेंशियल अकाउंट, और सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंट, और थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो आपने कहां कहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किया है, और इसका मेन पर्पस पता है क्या था? बैलेंस शीट बनाना एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, जो कि आपने 11th क्लास से लेके सेकंड ईयर तक आपने ये सीखा हुआ है, बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग अब आपके पास थर्ड ईयर में आया है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है और क्यों सिखाया जाता है? तीन ब्रांचेस है इसके अंदर आपको, बैलेंस शीट, पीएनएल, यहां पे भी हम प्रॉफिट ही निकालना सीखेंगे, लेकिन हम यहां पे जो प्रॉफिट निकालना सीखेंगे वो कॉस्ट को प्रोस्पेक्टिव रखते हुए कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालेंगे। कॉस्ट के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है? जैसे कि यहां पे सारे के सारे एक्सपेंस लॉस बाय फायर आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेते थे, और इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिया करते थे, गुडविल राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, किसी का शायद क्या प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? वीडियो शो नहीं हो रही? बिल्कुल भी शो नहीं हो रही? अब देखिए नाउ चेक करिए, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आप म्यूट कर देना वहां से, अगर कोई इश्यू आता है तो आप उसी टाइम बता देना। तो मैं आपको यही बता रहा था, मैं दोबारा अगेन बता देता हूं। तो कॉस्ट अकाउंट, हमारे जो अकाउंट्स है उसके ना तीन ब्रांचेस होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, और अनदर थर्ड वन हमारा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें आपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन, बीआरएस सारी चीजें कर ली है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है? प्रॉफिट फाइंड करना। यहां पे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं सिर्फ जो प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा उसी को लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास सपोज करो ये कैलकुलेटर है, अब कैलकुलेटर बनाने में इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, कैलकुलेटर बनाने में गुडविल का कोई काम नहीं है, कैलकुलेटर को बनाने में शेयर्स का कोई काम नहीं है, कैलकुलेटर बनाने में और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि ऑफिस में होते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो जो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे ना कॉस्टिंग में, वो प्रॉफिट निकालेंगे जो कि बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड हो, ऑफिस में कोई खर्चा इसमें नहीं आएगा, तो कॉस्टिंग से। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट निकालने का पर्पस होता है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालना। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट निकाला था यहाँ पे, तो वो पूरे ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट हुआ करता था 1 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो यहाँ पे हम डिसाइड पता है क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट मान लेते हैं 20 रुपए का बना, तो ये है अभी इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है 2 रुपए, तो हमें इसे 22 रुपए में बेचना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 2 रुपए। तो यहाँ पे पहले हमें कॉस्ट निकालना है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाएंगे, फिर 22 रुपए का बिकेगा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में कराया जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स लेते हैं उनके फाइनल ईयर में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि आपका मान लो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिन बच्चों ने लिया है वहां पे भी ये काम आएगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, एक मार्कर की कीमत मान लेते हैं इंडिया के अंदर है 10 रुपए,
और मैं यही मार्कर अगर मैं चाइना से खरीदता हूं तो उसको मुझे पड़ता है 9 रुपए का। तो मैं खुद बनाऊं इस मार्कर को या वहां से मंगवा के फिर मैं इसे बेचूं, तो ये डिपेंड करेगा टोटली किसके ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है। अब आगे चलते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा बहुत इंट्रो देखा था, तो मैं लास्ट क्लास के अंदर कुछ नए बच्चे हैं उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्या क्या नोटिंग करना है वो मैं प्रॉपर बताऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, मैं प्रॉपर आपको ना नोटिंग के लिए बताऊंगा, ठीक है। हमें पी एंड एल बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखना है आज कॉस्टिंग का। सबसे पहले कुछ बातें याद रखनी है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एक्सपेंस होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एक्सपेंस होगा इसको हम कहेंगे ओवरहेड, ओवरहेड, जितने भी एक्सपेंस है उसको बोला जाएगा ओवरहेड। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो एक्सपेंस लिखा जाएगा वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड लिखा जाएगा, ओनली कॉस्ट से रिलेटेड। तो सर बिना कॉस्ट वाले कौन से होते हैं, कॉस्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या नहीं लिखा जाता, एक्सेप्ट। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट नहीं लिखा जाएगा। जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं लिखना, बाकी नॉर्मल हम जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो इंटरेस्ट लिखते हैं, आपको अगर याद है तो। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो इंटरेस्ट लिखोगे, और क्या नहीं लिखेंगे यहां पे, गुडविल, रिटर्न ऑफ, अगर हो रहा हो क्वेश्चन में दे रखा हो तो इग्नोर इट। नंबर 3, हायर परचेज चार्जेस, इग्नोर करना है। नंबर 4, शेयर कैपिटल चार्जेस, इन सबको इग्नोर करना है। बाकी मैंने असाइनमेंट में कुछ दे रखा है एप्लीकेशन में, वहां पे मैंने लिस्ट लिखा है 8-10, और आप बुक में भी देखोगे तो बुक में भी आपको लिस्ट में जाएगा कि कहां कहां पे इसका इस्तेमाल होगा और कहां कहां पे इसको इग्नोर करना है, इस तरीके से आपको बुक में गिवन है। चलिए अब हमें बनाना बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस है। अब कॉस्टिंग की अगर देखा जाए तो एक अजीब सी बात लगेगी आपको कि हम जो फाइनेंशियल अकाउंट होता था उसमें तो हम सीखते थे पहले जर्नल लेजर, फिर सीखते थे लास्ट में, लेकिन कॉस्टिंग में सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। और क्या आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए, वैसे तो आप सभी बच्चों को एक बात याद होगा के सेकेंड ईयर में आपने जो कॉर्पोरेट अकाउंट था वहां पे जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था फाइनल अकाउंट में, क्या एक सिस्टमेटिक वे में काम करना होगा, जो यहाँ पे काम करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे एक सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे। जैसे सिस्टमेटिक वे क्या है, वहां पे भी हेडिंग हुआ करता था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ABC, यहां पे भी हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले हमारा ये, और यहां पर्टिकुलर, और ऊपर हमने टॉप पे लिखा कॉस्ट शीट। सबसे पहले आप लिखिएगा परचेज, परचेज इस साइड में लिखा जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। चलिए अब यहां ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इस पे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले एक होता है हमारा स्टॉक की कैटेगरी, अगर मैं बताऊं आपको तो स्टॉक कितने टाइप का होता है, बेसिकली स्टॉक होता है 3 टाइप का, कौन कौन सा। नंबर वन होता है हमारा रॉ मटेरियल, नंबर दो वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको मैं WIP बोलूंगा, नंबर 2 पे वर्क इन प्रोग्रेस जिसे मैं WIP बोल रहा हूं,
नंबर थ्री पे होता है फिनिश गुड, फिनिश गुड्स नंबर तीन। ये तीन तरीके के स्टॉक है। अब ये तीन तरीकों को हम समझते हैं किस तरीके से होता है, देखो। और ये बहुत काम आने वाला है आगे भी चैप्टर के अंदर, बहुत यूज होगा ये। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल का मतलब है, एक अगर हम बात करें रॉ मटेरियल का, तो घर के अंदर ही मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं रोटी, रोटी तो आप कैसे बनता है आप सभी ने देखा होगा। आटा लेके आते हैं घर में, तो वो आटा जो होता है कच्चा होता है, यानी आप सीधा आटा लाके उसको यूज खा नहीं सकते, तो वो है रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद कैसे रोटी बनाते हैं, आटे को हम गीला करते हैं। क्या आटे को गीला करते ही क्या हम उसको खा सकते हैं? नहीं खाया जा सकता, तो वो है। और क्या उसके अंदर एक एक्टिविटी और कर दूं मैं तो खाया जा सकता है? बिल्कुल। आटे को अगर आप रोटी में कन्वर्ट करना है, अभी तो गीला आटा है, उसको आप तवे पे सेकोगे तो फिर खा सकते हो। तो जो आटा गीला है ना, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब ये रॉ मटेरियल भी नहीं रहा, ना ही इसे हम यूज कर सकते हैं, बीच में ही है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा एफर्ट अगर लगा दिया जाए तो वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या एफर्ट लगाना है उसमें? छोटा सा उसे पकाना पड़ेगा। तो जैसे ही रोटी बन के तैयार होगा वो आपके पेट में, वो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स। तो अगर मैं इसमें बताऊं तो रॉ मटेरियल तो जो बिल्कुल कच्चा माल खरीदते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इसके अंदर अगर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी या दो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर दिया जाए तो वो क्या होगा? आपका फिनिश गुड्स। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन यूज होने के, फिनिश प्रोडक्ट होने के लिए तैयार है, उसे WIP बोलेंगे। अब मकान का एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग का। आप देखते हो जैसे कि आप रोड पे कभी देखा होगा आपने, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान वकान बनने वाला है, तो होता क्या है जनरली कि वहां पे सीमेंट ईंट वगैरह पड़ा हुआ रहता है, तो वो तो है रॉ मटेरियल। उसके बाद मकान बनने में काफी टाइम लगता है, काफी टाइम इन द सेंस के मकान जब बनेगा तो कई बार क्या होता है, अभी लेंटर नहीं डरा, दीवार दीवार डल गया, तो क्या हम उसे मकान बोल दें? क्या घर बोल सकते हैं? जब तक छत नहीं होगा तो घर नहीं बोल सकते, चारों तरफ से दीवारें डल गई है। तो यह है वर्क इन प्रोग्रेस, अभी फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही लेंटर डलेगा तो वो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स। तो तीन तरीके का स्टॉक है और ये तीनों तरीके का यूज होने वाला है। तो ये वाला सर कौन सा है? ये वाला है रॉ मटेरियल वाला, इस बात को ध्यान रखें, ये है रॉ मटेरियल, ठीक है। एक वर्ड और भी होता है, कई बार आपको गिवन होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम। कई बार एग्जामिनर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम देगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ये होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी अगर ध्यान से देखो तो इन तीनों को ही अगर हम सॉल्व कर लें तो इसको क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अगर एग्जाम में आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम देगा और आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे दे और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दे, तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करना है, क्योंकि ऑलरेडी रॉ मटेरियल कंज्यूम में ये एडलेस हो चुका है। इस बात का आपको अच्छा से अच्छे खासे ध्यान रखना है। और क्या आएगा यहाँ पे? और यहाँ पे आएगा हमारा वेजेस, और मैं यहां लिखूंगा प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस। और क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? लाइक कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। ओके, अब वेजेस की हम बात करते हैं। वेजेस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक प्रोडक्टिव वेजेस होता है, एक अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है। जैसे मान लो वर्कर क्या करते हैं, फैक्ट्री में सुबह सुबह गए और जाने के बाद क्या करेंगे, वो फटाफट मशीन को चालू किया और काम करने लग गए। अब उस टाइम का भी वेजेस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एक वर्कर जो है वो 8 घंटे काम करता है और पूरे दिन की उसकी सैलरी कितनी है, 800 रुपये। एक दिन की दिहाड़ी उसकी 800 रुपये है, तो 1 घंटे की सैलरी कितनी हुई एक आवर की? आप बोलोगे सर 100 रुपये पर आवर है। आपको पता है कि 4 घंटे, जैसे ही दिन में लंच होता है तो आधे घंटे का ब्रेक भी होता है, तो जो आधे घंटे का ब्रेक है क्या उसको सैलरी नहीं दे? उसको 750 रुपये दे दे तो काम चल जाएगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, सैलरी देना पड़ेगा। तो जो हमने 50 रुपीज उसे दिया है जिसमें वो लंच कर रहा था, उस ड्यूरेशन में उसने क्या प्रोडक्शन किया? नहीं किया। उसके बाद वर्कर को देखोगे थोड़ी देर तक तंबाकू वगैरह खाएगा, फिर थोड़ी बहुत तक वो बोलेगा थोड़ा शरीर वरीर हिला लूं मैं, इस तरीके से चलेगा, तो उस टाइम का मान लेते हैं टोटल 1 घंटा खराब करता है, तो वेजेस तो लेगा ही। वो शाम को तो बोलेगा 8 घंटे बाबूजी मैंने काम किए, लाइए 800 रुपये। मैं बोलूंगा यार मैंने देखा था आधे घंटे तूने लंच किया और आधे घंटे तू इधर उधर घूमता रहा था, 1 घंटे की सैलरी 700 रुपये ले। तो वर्कर नहीं मानेगा ये बात। तो जिस टाइम को उसको सैलरी तो दिया जा रहा है लेकिन वो उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं करता, उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस, और जिस टाइम पे काम चल रहा है वो होता है प्रोडक्टिव वेजेस। तो यहां पे हमें प्रोडक्टिव वेजेस लिखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो फर्स्ट हेडिंग जनरेट होगा क्या होगा? फर्स्ट हेडिंग जनरेट प्राइम कॉस्ट। इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट को ही हम एक और नाम से जानेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट कॉस्ट दे देगा। ठीक है, तो एक कुछ स्टेप ये है, माइनस प्लस करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अगले स्टेप पे हम चलते हैं और हमें लिखना है यहां पे फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड। अब बताइए ओवरहेड किसको बोलते हैं? एक्सपेंस को ओवरहेड बोलते हैं। तो फैक्ट्री के ओवरहेड क्या क्या हो सकता है? मैं सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा, बाकी मैंने प्रॉपर नोट्स में है, यहां पे मैं लिख देता हूं। चलो मैं लिख दिया मैंने वर्किंग नोट नंबर वन। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा वर्किंग नोट नंबर वन में जाके चेक करिए। मैं ओरली बोल देता हूं, आपको नोट्स में मैंने दे रखा है, उसको आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है? अनप्रोडक्टिव वेजेस यहां आएगा, डेप्रिसिएशन यहां पे आएगा, गोडाउन का रेंट यहां पे आएगा, इसके बाद चार्जेबल एक्सपेंस यहां पे आएगा, एम्प्लॉई का ट्रेनिंग यहां पे आएगा। तो ये सारे खर्चे यहां पे शो होंगे, आपके नोट्स में गिवन है वो। तो मैं यहां पे जैसे ही फैक्ट्री एक्सपेंस वर्किंग नोट नंबर वन, पता है मैंने क्यों लिखा? अगर मैं सारे खर्चे यहां लिखने लगूं लिखने लगूं लिखने लगूं लिखने लगूं तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा नोट बनाते थे, नोट क्यों? ताकि हम एक जगह सेपरेटली लिख ले उसके बाद। तो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड में मैं वर्किंग नोट नंबर वन, मेरे पास जगह कहां है, जगह कहां है, ये जगह मैं यूज करने जा रहा हूं, ये जगह यहां पे मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? ये लिखा मैंने वर्किंग नोट नंबर वन और यहां पे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारा यहां पे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन पता है कौन से वाले बिल्डिंग की? फैक्ट्री वाले बिल्डिंग की बात करेंगे डेप्रिसिएशन। तो इसी तरीके से बड़े सारे एक्सपेंसेस आएंगे और इनको टोटल करके यहां उठा के लिखना है। ठीक है सर, इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा? अगला जो हेडिंग जनरेट होगा वो अगला हेडिंग जनरेट होगा हमारा, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ गया। यानी इसके अंदर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। पहला हेडिंग क्या था? इन चीजों को माइनस प्लस करोगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री। इसके बाद हमें काम करना है प्लस ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। सर एक ऊपर भी ओपनिंग स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक है वो है WIP,
ये वाला जो स्टॉक है वो है WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा वो भी कौन सा होगा? WIP। ओके डन। तो सर इसको करने के बाद इसे कोशिश ये करना कि अंदर ही माइनस प्लस कर देना, या बाहर कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। अब जो यहां हेडिंग लिखेंगे, पता है क्या हेडिंग लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे नेट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और इसी को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क कॉस्ट याद रखिएगा आप, ये वर्ड जो मैं अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो तीन हेडिंग हो गया, सबसे पहले परचेज सेल्स, परचेज ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, फिर फैक्ट्री के खर्चे, तो ये हेडिंग आया, फिर आ गया हमारा नेट फैक्ट्री। इसके बाद यहां पे लिखा जाएगा आपका एडमिन के खर्चे, एडमिन एडमिन एक्सपेंस। अब ये एडमिन एक्सपेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जितने खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है उसे एडमिन खर्चे कहेंगे। ऑफिस से रिलेटेड होगा, जैसे जैसे टेलीफोन का खर्चा, जैसे आपका बैंक के चार्जेस, जैसे आपका ऑफिस के बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, जैसे आपका अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंस। तो ऑफिस में जितना भी खर्चा होगा ना वो आएगा। अब सर ये कौन से ऑफिस की बात कर रहे हो? आपको मैं बता दूं ये कौन से ऑफिस है, आप सब गलत सोच रहे हो। एक होता है हमारा फैक्ट्री और एक होता है हमारा ऑफिस। अब फैक्ट्री के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो फैक्ट्री जहां मशीन वगैरह है, और एक कोने में हम ऑफिस बना देते हैं। इस ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला ऑफिस तो वो है जहां पे सामान बिकेगा, जहां सामान बिकेगा। मान लो मेरा गुड़गांव में फैक्ट्री है और दिल्ली में मेरा शोरूम है, तो ये दिल्ली वाला शोरूम है। इस ऑफिस की खर्चे की बात नहीं कर रहा मैं इस खर्चे की बात कर रहा हूं जो फैक्ट्री के अंदर ऑफिस है, या उस एरिया के अंदर आपने ऑफिस बनाया सिर्फ इसको मैनेज करने के लिए, तो वो खर्चे की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो होगा एडमिन के एक्सपेंस, क्या क्या एडमिन के एक्सपेंस हो सकते हैं आपको यहां पे मैं लिख देता हूं, वर्किंग नोट नंबर टू इधर लिख देते हैं। वर्किंग नोट नंबर टू क्या क्या हो सकता है? जैसे टेलीफोन का खर्चा, और क्या हो सकता है? प्रॉपर विजुअल है ना आप सभी को? प्रॉपर विजुअल तो है, मुझे तो यहां से प्रॉपर दिख रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में लिख देना, मैं देख रहा हूं यहां पे। इसके बाद टेलीफोन के बाद क्या हो सकता है? बैंक चार्ज, बैंक चार्ज। और क्या हो सकता है? ऑफिस का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी इस वाले में प्रिंटर वगैरह है, इसका भी तो डेप्रिसिएशन होगा, उस डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। चलिए ये यहां लिख दिया। अब जो हेडिंग जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहां तक चार हेडिंग, 1 2 3 4, चार स्टेप में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। एक बात और, कई बार ऐसा होगा कि आपको WIP नहीं गिवन, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं गिवन, तो आप इसको ग्रॉस मत लिखिएगा, इसी को नेट लिख दीजिए। यानी जो स्टेप के लिए हमारे पास खर्चे नहीं है और सिर्फ यही एक ऐसा स्टेप है, कई बार नहीं देता तो इसी को हम लिख देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलिए हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, विजुअल है यहां तो, वीडियो आ रही है आपको क्लियर? साउंड कट रहा है। अरे यार, हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रही है क्लियर आपको? एक सेकेंड,
शायद कुछ बच्चों को वॉइस नहीं आ रही और मुझे दिख भी नहीं रहा है। पीसी हैंग हो गया है तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ओके, अब ठीक है, क्योंकि वॉइस कट जाती है तो प्रॉब्लम होती। ठीक है, मैं एक, ठीक है, ओके, डन। तो मैं आपको समझा रहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहां पे लिखना है हमें प्लस ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये होगा प्लस और ये हो गया माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा। बस एग्जामिनर यहीं पे एडजस्टमेंट देगा और यही आपसे पूछेगा, बाकी सारा तो आप इजीली कर लोगे, बस यहां पे रहेगा इसका ना, आपको रेट नहीं देगा। हम क्वेश्चन जब देखेंगे आगे तो बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा, आगे हमारा आने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और क्या लिखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद, यहां पे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो सेल से रिलेटेड खर्चा होता है, इसके आगे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 3, मैं यहां लिख देता हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो कौन किससे रिलेटेड होगा, सेलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किससे रिलेटेड होगा, पॉइंट नंबर 1 किससे, सेल एडवर्टीजमेंट। और सर, और हो सकता है हमारा कैरिज आउटवर्ड, और क्या हो सकता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्समैन का सैलरी, सेल्स मैनेजर का कमीशन, वो सारा आ जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी ना लिखा हुआ है, तो आप यहां पे वो लिखेंगे। इसको लिखते ही हमारा रिजल्ट, बस लास्ट फॉर्मेट है ये, इसको लिखते ही जो हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट का नाम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी हेडिंग देखिए, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, यानी उसके बाद ग्रॉस, अगर ये नहीं हो तो इसी का नाम होगा नेट, फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम समझेंगे भी अभी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है अगर हम एक प्रोडक्ट को बेच दें तो उसकी कीमत हमें इतने रुपए की पड़ जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे लिखते जाते हैं। सपोज करिए मैं एक अमाउंट लिखता जाता हूं रफली, जैसे कि परचेज मैंने 10 रुपए का किया, मैं एक प्रोडक्ट बना लेता हूं, मान लेते हैं कि मार्कर बना रहा हूं मैं, इस मार्कर को बनाने में जो इसके अंदर प्लास्टिक लगा वो 10 रुपए का लगा, शुरू में मेरा स्टॉक था 1 रुपए का और अब बचा हुआ है मेरे पास 2 का, क्योंकि मैं 10 खरीद के लाया था जिसमें से एक शुरू का था, तो 12 में से सॉरी 10 एक खरीद के एक शुरू का था
और 10 मैं खरीद के लाया था, टोटल 11 स्टॉक हो गए, जिसमें से दो तो बची गए, तो यूज कितना हुआ, 9। तो यहां पे एक माइनस करोगे तो अल्टीमेटली देखो 9 यूनिट का स्टॉक यूज हो गया, उसके ऊपर खर्चा 2 रुपए लग गया, खर्चा 1 रुपए लग गया, तो टोटल कितना हो गया, 10, 9, 9 के बाद 2, 11 और 1 12, यानी आपका डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चा कितना लग गया, 12 रुपए लग गया। उसके बाद फैक्ट्री में गए, अनप्रोडक्टिव वेजेस अगर वगैरह लगा, ये डेप्रिसिएशन वगैरह 3 रुपए का, तो टोटल कितना आ गया, 15। अभी माल बन के तैयार नहीं हुआ, 15 रुपए। इसके बाद WIP की बात करते हैं। कुछ माल तो हमेशा मशीनरी में ही रहता है, तो उसका अंदाजा लगाना ना बड़ा मुश्किल है। तो पिछली बार जब बना रहे थे तो 4 रुपए का माल अंदर था, अब बना रहे हैं तो 3 रुपए का माल अंदर पड़ा हुआ है मशीन के अंदर। मशीन होता है ना, मशीनरी के पाइप में ही मान लो कुछ स्टॉक तो रह ही जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आगे जब बनेगा तब निकलेगा, लेकिन हमें एस्टिमेशन तो बनाना ही है। तो 4 में से 3 एक, यानी यहां 16 रुपए का खर्चा, ये फैक्ट्री का कॉस्ट आ गया 16। उसमें जो इसके साइड में जो ऑफिस बनाया था उसके टेलीफोन वगैरह का, बिजली वगैरह का बिल वगैरह जोड़ दूं, 4 रुपए, तो टोटल 20 रुपए बनाने बनाने का खर्चा आया। हमने फैक्ट्री में जो एक लॉट डाला था 20 रुपए बनाने का खर्चा आ गया। कितने यूनिट बने 20 रुपए में, मान लेते हैं कि मैंने जो यूनिट के लिए डाला था वो मुझे 20 मार्कर बनाने थे, 20 मार्कर, 20 मार्कर, ठीक है, मुझे 20 मार्कर बनाने का मैंने यहां सामान डाला था, तो बताओ 20 रुपए में कितने मार्कर बन गए, 20। अब ये जो है ये बन के तैयार हुआ फिनिश्ड, जिसमें से 5 मार्कर मेरा पहले से पड़ा हुआ था, तो बताओ कितने मार्कर हो गए, ये हो गए 20 मार्कर और 5 पहले से पड़ा हुआ था, यानी 5 रुपए का, 25 हो गए टोटल, जिसमें से मैंने गिना तो अभी भी 4 मार्कर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 25 में से 4 बचे हुए हैं, तो कितने बिक गए, 21, यानी 21 मार्कर 21 रुपए का बेच चुके हो। अब इसके अंदर खर्चा क्या जुड़ेगा, ये फैक्ट्री में, यानी जो मैंने फैक्ट्री बताया था, इस फैक्ट्री में 21 रुपए का तैयार हो गया। अब इसको ऑफिस भी पहुंचाया जाएगा, तो सेलिंग का खर्चा होगा, वो मान लेते हैं जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया खर्चा 2 रुपए का, तो टोटल कितने का पड़ गया, 23। अगर मैं ये सामान 23 रुपए का बेच दूं ना सारा का सारा, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सारे खर्चे तो निकाल लिए, सैलरी, वेजेस, सेल्समैन का कमीशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करते हैं नॉर्मली, अब हमें चाहिए प्रॉफिट, अब हमें चाहिए प्रॉफिट। मान लेते हैं कि 2 रुपए का प्रॉफिट, तो हम 2 रुपए का प्रॉफिट अगर ऐड कर दें तो हमें जो रिजल्ट निकलेगा, जिसके लिए हम सोच रहे थे, वो निकलेगा सेल्स। मे बी आपको ये विजुअल ना हो, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, नीचे विजुअल नहीं है, मैं अभी विजुअल कर देता हूं, ठीक है, ओके डन। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, और आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फिर से फटाफट मेरे साथ देखिए, क्या था, एक प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स। ये सारे हेडिंग अगर आपको याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। नंबर 1 यहाँ पे क्या था, कुछ ओपनिंग खर्चे, अगर ये तीनों कंबाइन दे तो किसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल परचेज। यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, और क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, मैंने फॉर्मेट जो दिया है आपको PDF में, उसमें लिखा हुआ है, जैसे चार्जेबल एक्सपेंस, ये यहीं पे आएगा चार्जेबल एक्सपेंस, ठीक है। इसके करने के बाद एक हेडिंग जनरेट होगा जिसका नाम है प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद नेट, अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन में पूछता हूं कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग WIP ना गिवन हो, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्या हमारा कोई फैक्ट्री कॉस्ट ये ग्रॉस वाला लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये दोनों अगर ना हो तो क्या हम लिखेंगे, जवाब नहीं, हमें लिखना है नेट। अब यहां तक में कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो और पूछ भी सकते हो, और नोटिंग पहले अच्छे अच्छे साफ साफ करने, मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग, अभी मेरे पास हो रहा है 10:51, 5 मिनट देता हूं, फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाएंगे आप नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। कर सकते हैं क्या 5 मिनट में नोट, और विजुअल क्लियर नहीं है तो बताइए।
किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पे जिसको भी डाउट है वो बाय वॉइस के साथ पूछ सकता है, क्योंकि चैटिंग में कई बार आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन में इनबिल्ट करवाया है। क्या इनबिल्ट करवाया, वहाँ पाम आप रेज करेंगे, पाम पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा और उसको मैं क्लिक करके सुन सकता हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं। किसी को डाउट है तो बताइए। है किसी बच्चे को डाउट? सौरभ ने कहा यस। अब डाउट है यस या फिर डाउट नहीं है वो वाला यस है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा ये तो। चलो मैं सब बच्चे से इंडिविजुअली, लगता है पता नहीं आप इतना सोचते क्यों हो। कपिल है, कपिल को कोई डाउट? रिंकी को कोई डाउट? महिमा, चांदनी, शाहिद, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट सौरभ। एक चलिए नोट करिए फटाफट, नोट हो जाए तो जल्दी जल्दी बताइए या फिर मैं आगे चलूं कंटिन्यू। नोट करिए, नोट तो तब भी करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन शॉट अलाउड नहीं है। रिंकी नो डाउट, कपिल नो डाउट, ठीक है नोट कर लीजिए आप या फिर आगे चले। नोट कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। मैं पहले इस साइड में जो मैंने लिखा है उसको मिटा देता हूं, ये साइड में जो लिखा है मैंने इसको मिटाने जा रहा हूं। अब मैं फिर से हेडिंग की बात करूंगा, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में अगर मैं हेडिंग की बात करता हूं तो हेडिंग गिन लेते हैं एक बार, है ना। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। फाइव हेडिंग है। सबसे पहले हमारा प्राइम कॉस्ट, नंबर दो। दूसरा कौन सा है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। नंबर थ्री, नंबर थ्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नंबर चार, नंबर चार, अरे इसको तो चार नंबर दिया ही नहीं, ये तो पांच हो गया, छह हेडिंग हो गया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं नंबर तीन, नंबर चार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर पांच, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नंबर छः कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जिससे मैं पूछूं वो जवाब देते जाएंगे फटाफट से,
मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन और वो वॉइस के साथ जवाब देंगे मुझे, और कुछ वन टू वन मैं अब क्वेश्चन करने वाला हूं, तभी पढ़ने में मजा आएगा, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा जितने बच्चे ऑनलाइन हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, कपिल आप मुझे बताना, कपिल आप रेज करना इसमें हैंड, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा वॉइस। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए कौन से खर्चों की जरूरत पड़ती है हमें, आप बताइए कपिल मुझे, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे करना पड़ेगा प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए कपिल? देखो ऐसे मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, नहीं तो मैं तो सिंपल रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। कपिल आपके पास पाम रेज करने का ऑप्शन होगा, बिल्कुल। अब मैं वन टू वन क्वेश्चन भी करूँ ना, हाँ बताओ कपिल, अगर प्राइम कॉस्ट निकालना है तो कौन से खर्चे चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का गिवन हो और परचेज भी गिवन हो और मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दे, तो क्या हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे? अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दे तो क्या हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्यों? रीजन बताइए। अरे कॉन्फिडेंस से बोलो, कुछ सीख रहे हो? नहीं पता, नहीं पता। अब आप शाहिद आप बताएं क्यों नहीं लेते हैं हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को? शाहिद प्लीज आप सेंड करें रिक्वेस्ट, सभी बच्चे सेंड करें रिक्वेस्ट, मैं वन टू वन क्वेश्चन पूछूंगा। शायद आपका रिक्वेस्ट नहीं आया, रूपा रिक्वेस्ट सेंड करो। हाँ शाहिद, शाहिद तो गायब हो गया, शाहिद वॉइस आ रही है आपको? चलो रिंकी आप बताओ कि जब हम डबलिंग, अभी डबलिंग आवाज आ रही होगी मे बी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रिंकी आप मुझे बताना कि जब रॉ मटेरियल कंज्यूम हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं हम ऐड लेस करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के बीच में कुछ खर्चों को लिखा जाता है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के खर्चों को लिखा जाता है, इसके बीच के खर्चे को कौन सा फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं? आप मुझे बताइए, रूपा आप बताइए कौन सा फैक्ट्री बोलेंगे, मैं क्वेश्चन के सामने खड़ा हो जाता हूं। रूपा रिक्वेस्ट रेज करो आप। नहीं आवाज आ रहा, महिमा अभी ज्वाइन हुई है, महिमा रिक्वेस्ट रेज करो। हाँ महिमा आपसे क्वेश्चन मैंने पूछता हूँ कि प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, अगर प्राइम कॉस्ट में कुछ चीजें जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है, ऐसा क्या आइटम है बताइए?
फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का? ऑफलाइन क्लास में होते तो जरूर मैं सबसे पूछता, ऑफलाइन में तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ता, ऑनलाइन में बच्चे कभी इन हो रहे हैं कभी आउट हो रहे हैं। चार बच्चे रह गए, सौरभ गायब, शाहिद गायब, किसने पूछा नेम बताओ? कपिल। हाँ, अनप्रोडक्टिव वेजेस वो होता है जिसके लिए हम वेजेस तो पेड करते हैं वर्कर को, लेकिन उसके बदले वो कोई काम करके नहीं देता। जैसे लंच के टाइम पे लंच करता है, कोई काम नहीं करता, लेकिन हम वेजेस उसको पेड करते हैं, तो उसे अनप्रोडक्टिव वेजेस कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, कपिल ने जवाब दिया। अब मैं आगे पूछना चाहता हूं कि अगर हमें WIP ना गिवन हो, WIP अगर ना गिवन हो, रूपा आप बताना, अगर WIP ना गिवन हो तो क्या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा? बताइए। रूपा, नहीं पता। महिमा, देखो नहीं बता रही है बच्चे। हाँ महिमा, आप बताओ, अगर WIP नहीं है तो क्या ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड का हेडिंग बनना चाहिए? नहीं बनेगा, बिल्कुल राइट। तो सीधा क्या बनेगा ग्रॉस फैक्ट्री के बजाय? सीधा बन जाएगा नेट फैक्ट्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नेट फैक्ट्री के बीच में ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नेट फैक्ट्री के बीच में ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? सौरभ आप बताओ। सौरभ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में एडमिन बोला है, लेकिन आपको बोलना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद अगला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप मुझे एक बात बताइए, अगर FG ना हो, फिनिश गुड्स ही ना हो, तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ इसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हेडिंग बनेगा या फिर सीधा कॉस्ट ऑफ? मान लेते हैं, मैं समझाता हूं एक बार, मान लेते हैं कि हमारा यहां पे देखा जाए तो एक ये दोनों पार्ट नहीं है, तो आप ना यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हेडिंग मत बनाना, सीधा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है, अपने स्पीकर ऑफ कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपके बुक का, हर किसी के पास बुक है, महेश्वरी मित्तल, और मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। माइक ऑफ कर सकते हो सभी बच्चे, अब ऑफ कर दीजिए माइक। एक दो दिन लगेगा हमें एडजस्ट होने में कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा पढ़ाने का क्या तरीका है। आप जवाब देने में अभी एक दो दिन लगता है कि मुझे समझना पड़ेगा आपको। कपिल आप भी माइक ऑफ कर दें, ठीक है, और जिस बच्चे का माइक ऑन है ऑफ कर दें। अब नाउ क्लियर वॉइस है, डबलिंग वॉइस तो नहीं आ रही, आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं, चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि डबलिंग वॉइस तो नहीं आ रही। वॉइस क्लियर? हेलो, शायद किसी का माइक ऑन है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, वो माइक ऑफ कर दें।
किसी गर्ल्स का माइक ऑन है, उसे ऑफ कर दें, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अरे ये तो फोन लेके लगता है सो गए, लगता है मुझे एडमिन से ही ऑफ करना पड़ेगा। चले ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर देना, नहीं तो डबलिंग वॉइस आएगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, होपफुली आपके पास भी नोट्स में मिल चुका है, और वही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसमें कहता है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको रॉ मटेरियल परचेज निकालना है, यानी आपको निकालना ये है। तो कैसे निकालेंगे? आपने तो बोला सर प्राइम कॉस्ट तक का क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए आपको प्राइम कॉस्ट गिवन है, यानी ये आंसर दे दिया। तो इसके लिए मैं सबसे आसान तरीका जो आपको भी फॉलो करना है, कुछ भी बनवा ले एग्जामिनर, हम तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट गिवन है, इसके बाद का कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के पास बुक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 होगा आपके बुक के अंदर, महेश्वरी मित्तल का बुक है, चाहे पुरानी बुक हो नई बुक मिल जाएगा। जिसके पास नहीं है, आप वीडियो को जब मिनिमाइज करेंगे डायरेक्ट, तो वीडियो आपका सामने प्ले होगा, स्क्रीन छोटा हो जाएगा, भले ही नोट्स में जाके पीडीएफ में आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास प्राइम कॉस्ट गिवन है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं। और इसके बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? हाँ बिल्कुल, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। जब प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। यही सिखा सीखा हमने, इसी फॉर्मेट को मैंने यहां तोड़ के लिख दिया। क्वेश्चन में कहता है प्राइम कॉस्ट इज 1 लाख, ठीक है ये वाला पार्ट दे दिया इसने। इसके बाद कहता है डायरेक्ट वेजेस 50,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा डायरेक्ट वेजेस, यहां वेजेस कर देते हैं ये लो। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है एक्सपेंस ऑन परचेज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन परचेज, अगर सेल्स होता तो नहीं लिखते यहां, 5,000 रुपए। इसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है यहां पे 15,000, और ओपनिंग ये माइनस में है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा यहां पे, इसको बाहर ही लिख देते हैं, एक काम करते हैं 15,000, अंदर भी लिख सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये है 10,000। अब देखिए आप इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। आप याद रखना जब ऊपर में परचेज होता तो हम इसको प्लस करते, इसको माइनस करते, इसको प्लस करते, इसको प्लस करते, और यहां पहुंच जाते। लेकिन बट इस सिचुएशन में क्या मेंशन है आपको? नीचे गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो जो चीजें प्लस की है उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो चीजें माइनस की है उसको प्लस करना पड़ेगा। देखो 1 लाख में आपको 50,000 है, 5,000, ठीक है 5,000 है, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 1 लाख में -5,000, क्योंकि प्लस का सिंबल था, -50,000, और 15,000 को क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि माइनस है 15,000, और -10,000। देखो रिजल्ट आ गया मेरा 50,000। नाउ परचेज फाइंड कर लिया हमने 50,000। एग्जामिनर ने यही पूछा है क्वेश्चन कि आप परचेज बताइए, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो जवाब इज 50,000। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में बताइए फटाफट, फटाफट से जवाब दीजिएगा आप, फिर कोई और भी क्वेश्चन करेंगे हम, टाइम अभी है थोड़ा और भी करेंगे हम। किसी को कोई डाउट बताइए फटाफट से। किसी को डाउट है क्या? महिमा नो, कपिल नो, ओके। अब ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, आपके बुक में सॉल्यूशन नहीं होगा, फटाफट से नोट करिए। और आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाते आगे, क्योंकि ज्यादा मैं
अगली क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना है और इससे रिलेटेड होना है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अभी लाइव क्लास ऑन छोड़ रहा हूँ, आप फटाफट से इसको नोट करिए। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो कोर्स आपने बाय किया जहाँ पे है, देख रहे हो ना आप, तो वहाँ वीडियो में लाइव क्लास में आपको मिल जाएगा, उसको आप जब मर्जी चाहे तब देख सकते हो। एप्लीकेशन कौन सा है हमारा, शिक्षा धाम एप्लीकेशन, और उसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नोट्स आपको मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देखना, वहां पे नोट्स भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर। अब किसी के और डाउट है, मेरा क्वेश्चन चेंज है, मेरा क्वेश्चन चेंज है, रिंकी का क्वेश्चन चेंज है, आपके पास बुक कौन सा है रिंकी, बताइए आपके पास बुक कौन सा है। चलिए कोई बात नहीं, आप कॉल करके पूछ लेना, बाकी मैंने नोट्स दिया है। आप सभी बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके महेश्वरी मित्तल के ही क्वेश्चन हैं, मैं इसी से पढ़ा रहा हूं, मैंने पेजेस में इसलिए ले लिया ताकि मैं इसको क्या कर पाऊं, जल्दी जल्दी बोर्ड पे सॉल्व कर पाऊं। और मैं चाहूं तो आपको डिस्प्ले भी क्वेश्चन कर सकता हूं, बट फिर ये होगा कि फिर मेरी वीडियो नहीं आएगी। तो बेटर है आप सबके पास बुक है, आप वहां देखेंगे यहां देखेंगे। YouTube की वीडियो तो है नहीं कि कुछ भी, मतलब कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, मैं पहले मटेरियल बता रहा हूं आपको। और ये कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी है, जो बच्चा देखना चाहे देख सकता है। अब हम इस बुक से ही अपने बुक में क्वेश्चन टिक कर लेंगे नोट्स के अकॉर्डिंग, फोटोकॉपी वगैरह नहीं करानी। और मैंने बोला भाई क्वेश्चन नंबर 25, तो अपने बुक में निकाला और मैं सॉल्यूशन करने लग गया। तो ये बस एक काम, नेक्स्ट क्लास में आप मैच जरूर कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। जैसे रिंकी कह रही है कि मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं समझा दूंगा। इनफैक्ट किसी को डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का एक मैं टाइम बता दूं आपको कि आप 4 बजे से लेके 8 बजे तक कॉल ना करें, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूं, उस टाइम पे मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप कॉल मुझे मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 11 बजे तक ना करें, उस टाइम मैं लाइव ऑनलाइन क्लास में और कुछ ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं। आप कॉल कर सकते हैं 12 से लेके 4 के बीच में, और मैसेज कर दें जब मैं फ्री होऊंगा, डेफिनेटली मैं आपको रिवर्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, किसी को एनी डाउट तो आप बताइए, कोई क्वेरी पूछना है तो आप पूछ सकते हो 1-to-1 करके। कुछ बच्चे YouTube पे भी हैं, रेहान आलम आकाश, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। बताइए फटाफट, किसी को कोई डाउट है क्या? बच्चे अटेंड करते हैं गायब होते हैं, इनकी तो अगली क्लास में मैं इनको बताता हूं। क्लास अटेंड करना है तो मतलब करना है, नहीं तो आपका मैं चैट सेशन भी और लाइव वीडियो भी मैं यहां से बंद कर दूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहे हैं, कुछ बच्चे तो, काफी बच्चे तो एब्सेंट है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है ऑनलाइन, आप श्योर हो जाएं कि आपको इस टाइम पे लाइव आना पड़ेगा। अगर लाइव नहीं आते आपका कोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा, मैं पहले ये बात बताता हूं, क्योंकि मुझे लाइव पढ़ाना है, मुझे रिजल्ट चाहिए, तो आपको 1-to-1 क्वेश्चन के आंसर भी देने पड़ेंगे। कोई भी काम हो एक्स वाई जेड, वो आपकी टेंशन है, मेरी नहीं है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो मिलेगा, लाइव क्लासेस के लिए फिर आपको ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखना, मेरे पास सारे कंट्रोल है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। और जो मैंने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मैं, ये क्वेश्चन जो दिया है ये सेल्फ कर लेना, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा उसमें भी कर लेना। और फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, कल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी क्लास है एफएम की, और टाइमिंग सेम है 10 बजे, और 10 बजे कंफर्ट हो जाओगे धीरे धीरे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लास्ट क्लास के में कुछ वीडियो में काफी प्रॉब्लम आई, बच्चे बोल रहे थे, और मैंने भी देखा एक्चुअल, इसलिए वीडियो डिलीट कर दिया। एक मैसेज शाहिद का भी आया था कि सर वो वीडियो मिल नहीं रही, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं फटाफट स्टार्टिंग से करा दूंगा। नाउ इसके अंदर सभी बच्चे कंफर्ट हैं, तो किसी, सारे बच्चे कंफर्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करूंगा कि और ज्यादा मैं ऐसा कुछ मोड लेके आऊं कि आपकी वीडियो वगैरह भी दिखे और मैं 1-to-1 फेस टू फेस बात कर ले, आपको महसूस ही ना हो कि आप लाइव क्लासेस ले रहे हो। एक हमारा ट्रेंडिंग है ना कि वीडियो क्लासेस, जितने ऑफलाइन में आपको फटकार पड़ती थी उससे कहीं ज्यादा मैं लाइव क्लास में देने वाला हूं, इस बात को ध्यान रखना। हर बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा,
हर बच्चे को जवाब देना है, जो बच्चा जवाब नहीं देगा उसका कोर्स डीएक्टिवेट कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मैं इसको एंड कर देता हूं क्लास को। हाँ जी, यूट्यूब के बच्चे, कोई ऑनलाइन है यूट्यूब पे, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। YouTube के सभी स्टूडेंट को मैं कहूंगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, इस टाइम पे मैं ऑनलाइन होऊंगा, आप क्वेरी भी पूछ सकते हो, एप्लीकेशन है शिक्षा धाम, वहां ज्वाइन कर सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नाउ एक या दो बच्चे जो भी हैं, डेफिनेटली अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए और इस ड्यूरेशन में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इस बार 75 out of 75 कितने स्टूडेंट हैं जो कि लेके आएंगे। होपफुली के मैक्सिमम स्टूडेंट हो, एटलीस्ट 70 तो जरूर लेके आएंगे। इतनी मेहनत मैं करूंगा, आप जितनी मेहनत करोगे उससे मैं 1.5 गुना ज्यादा करने को तैयार हूं। अब आप देख लो कितनी मेहनत कर सकते हो, मैं थकूंगा या आप। मैं तो दिन भर में करीब, मेरे बैचेस की अगर मैं बात करूं तो कितने बैचेस होता है, सुबह 9:30 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, फिर 1 घंटे का रेस्ट होता है, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे। तो मैं 7-8 घंटे मेहनत कर रहा हूं, 1 घंटा और ज्यादा करूंगा आपके साथ। तो बस आपको यही कहना चाहता हूं मैं कि आप 8 घंटे की जितना मेहनत करना चाहते हैं मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। हाँ, कॉल वगैरह कुछ बच्चे करते हैं तो एक चीज आप श्योरिटी कर ले कि कॉल में थोड़ा सा ना, अभी काम जो है, लाइव क्लासेस भी काफी सारी चल रही है, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, क्लास होने से पहले कॉल को अवॉइड करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा और फ्री होते ही आपको कॉल करके मैं पूछ लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।